Hello friends, welcome to Simmi'sEducentre and this is Simmi here. We are starting our new chapter, that is periodic classification of elements of class 10th chemistry. क्या आप सभी को पता है कि आज के टाइम में हम कितने एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं? टोटल 114 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट 1800 के टाइम में सिर्फ 30 एलिमेंट्स के बारे में ही हमें पता था और धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्कवरी होता गया साइंटिस्ट बहुत सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर करते गए। उसके बाद साइंटिस्ट लोग के पास एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आ गया कि उन सारे एलिमेंट्स को का प्रॉपर्टी को हम कैसे डिस्टिंग्विश करें, कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करें, कैसे हम ऑर्गेनाइज करें एलिमेंट्स को, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग ने सोचा कि हम इस सारे एलिमेंट्स को किसी तरह से क्लासिफाई करते हैं प्रॉपर्टी के बेस पे, ताकि हम इस एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं किसी प्रोसेस में, ठीक है। तो वैसे ही धीरे धीरे डोबरनियर, न्यूलैंड्स, मेंडेलिफ ने अपना अपना पीरियोडिक टेबल दिया, जिससे कि उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में। नाउ अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हम परफेक्ट मानते हैं। अभी जितने भी पहले पीरियोडिक टेबल दिए डोबरनियर ने, न्यूलैंड्स ने या मेंडेलिफ ने, सारे में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस निकलते आए, तो लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया जो कि अभी के टाइम से हमारे लिए परफेक्ट है। तो पहला है डोबरनियर ट्राइड। 1817 में जॉन वॉल्फगैंग डोबरनियर, जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और उन्हें क्लासिफाई करने का कोशिश किया, ठीक है। क्लासिफाई उन्होंने जो किया था वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास किया था। एलिमेंट्स को उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया, जो कि उन्होंने तीन ग्रुप बनाए, ठीक है, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, जिसमें कि मिडिल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज था, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल में यहाँ देख सकते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये एक ट्राइड था, ये फर्स्ट ट्राइड था डोबरनियर का, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो तीन एलिमेंट है इसका सिमिलर प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें क्या उन्होंने बताया कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। बट इन्होंने ये बताया कि लिथियम और पोटाशियम का जब हम एटॉमिक मास को ऐड करेंगे, इट मीन्स एवरेज अगर निकालते हैं हम, तो 7 + 39 / 2 = 23, जो कि सोडियम के इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का, अगर हम कैल्शियम बेरियम का एवरेज निकालते हैं तो वो स्ट्रॉन्शियम के अप्रॉक्स में आएगा, और क्लोरीन और आयोडीन का यहाँ पे अप्रॉक्स हम निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो वो ब्रोमीन के अप्रॉक्स में आएगा। डोबरनियर में बहुत सारा लिमिटेशंस भी था कि वो जब तक उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया तब तक बहुत सारे एलिमेंट्स जाने जा चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे, बट उन्होंने सिर्फ तीन ही ट्राइड बनाया और थ्री इंटू थ्री नाइन एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाए, वो बाकी एलिमेंट के लिए उनका ट्रायड जो है वो फेल कर गया। नेक्स्ट जो थ्योरी दिया वो न्यूलैंड जो ने दिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में, इन्होंने 1986 में, ये एक इंग्लिश फिजिस्ट थे, इन्होंने भी जो एलिमेंट्स को सजाया वो एटॉमिक मास के ही अकॉर्डिंग सजाया, ठीक है। हम जानते हैं कि म्यूजिकल नोट्स जैसे होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, एट्थ एलिमेंट होता है जिसमें फर्स्ट जो है सा वो फिर से रिपीट करता है एट टाइम में, उसी तरह से इन्होंने, न्यूलैंड जी ने एलिमेंट्स को सजाया कि फर्स्ट का प्रॉपर्टी और एट्थ एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो होगा वो सिमिलर होगा। और जैसे कि यहाँ पे हम टेबल में देख सकते हैं कि लिथियम है, लिथियम को मान लीजिए कि फर्स्ट एलिमेंट है, एट्थ एलिमेंट के हिसाब से सोडियम आएगा, ठीक है, तो सोडियम का प्रॉपर्टी और लिथियम का प्रॉपर्टी सेम होगा और पोटेशियम का प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है, ये सब एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा, बेरियम, मैग्नीशियम, कार्बन, जिंक, ये सारा प्रॉपर्टी सेम होगा, बोरोन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, कार्बन, सिलिकॉन, टिटेनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन, ये सारे एलिमेंट्स को उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी का एलिमेंट्स को सिमिलर एक एक ग्रुप में अरेंज कर दिया, ठीक है। उन्होंने एटॉमिक मास जो अरेंज करना शुरू किया वो सबसे स्टार्टिंग में हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होता है, उससे स्टार्ट किया और थोरियम में एंड किया, जो कि 56 एलिमेंट था, जिसका वहाँ पर उन्होंने एटॉमिक मास को एंड किया। बट यहाँ पर बहुत सारे लिमिटेशंस भी निकले। लिमिटेशन पहला ये निकला कि कैल्शियम जो है, अप टू कैल्शियम ही वो प्रॉपर्टी जो है सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर पा रहा था
कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आए जैसे कि क्रोमियम, टिटेनियम, मैंगनीज, आयरन, कॉबल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारे प्रॉपर्टी जो हैं उस पिछले वाले 8th एलिमेंट्स से जो सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया था, ऑक्टेव थ्योरी जो दिया उन्होंने, उससे वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, ये यहाँ पर फेल हो गया। सेकंड डिमेरिट इनका ये निकला कि जैसा हम फर्स्ट ग्रुप में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन के साथ उन्होंने कोबाल्ट और निकल को डाल दिया है। जैसे हम जानते हैं कि फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन तो ये हाइड्रोजन ग्रुप है, बट उन्होंने कोबाल्ट और निकल को साथ में डाल दिया था। नेक्स्ट डिमेरिट है इनका कि न्यूलैंड जी ने बताया कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही नोन है नेचर में, इसके आगे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे फ्यूचर में, ये इन्होंने बता दिया था न्यूलैंड जी ने पहले ही। ठीक है, तो ये इनका सबसे बड़ा डिमेरिट था। थैंक यू।